तो आज के इस लेक्चर में हम इंटीग्रेट करेंगे डिलेट पोस्ट एपीआई को एंड जो भी डेटा डिलेट होगा हमारी एपीआई के बेस पर उसको हम टेबल में से रिमूव भी करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम जो है हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर सर्विस के अंदर एक मेथड क्रिएट करूँगा। जैसे कि आपको पता है हमने सर्विस क्रिएट करके रखी हुई है जिसमें हमारे क्रेड ऑपरेशन के लिए एपीआई कॉल हो रही है। तो यहाँ पर हमने अपडेट तक तो वर्क कर लिया है। जस्ट मैं क्या करता हूँ इसका कॉपी कर लेता हूँ अपडेट पोस्ट का एंड यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ। यहाँ पर हम एक मेथड क्रिएट करेंगे डिलेट पोस्ट एंड यहाँ पर क्या होगा डिलेट पोस्ट करते वक्त अगर मैं राउट देखूँ, राउट की अगर बात करूँ तो यहाँ पर अगर आप बैकएंड पर देख पा रहे हो तो बैकएंड में जो राउट बना हुआ है वो डिलेट पोस्ट स्लैश कॉलन आईडी मीन्स डिलेट पोस्ट है आपका और फिर आपकी आईडी जाएगी यहाँ पर कंकेटिनेट होकर के वो आपको करना होगा। तो हम फ्रंट एंड साइड पर इस तरीके से बेसिकली करने वाले हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हम आईडी लेंगे इसके पैरामीटर में तो आईडी आएगी यहाँ पर और ये आपका गेट राउट है और यहाँ पर आप देख पा रहे हो गेट। देन यहाँ पर आपका यूआरएल जाएगा और यहाँ पर आपका होगा डिलेट डिलेट पोस्ट एंड यहाँ पर हम इसको हटा देते हैं। बाकी हमें यहाँ पर क्या करना है कंकेटिनेट करना है इस आईडी को जो हमारे बेसिकली पैरामीटर में आ रही है। तो मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर मैं जो है डॉलर अपना कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट एंड आईडी। तो यहाँ पर क्या है बेसिकली हमारा मेथड तो बेसिकली सर्विस के अंदर डिफाइन कर दिया है हमने। अब हमें जाना है अपने अपने डायलॉग के अंदर। तो डायलॉग्स एंड डिलेट पोस्ट यहाँ पर हम बेसिकली वर्क करेंगे। तो अभी क्या होता है कि हम डिलेट बेसिकली अगर यस बटन पर क्लिक करते हैं तो कुछ भी नहीं होता है। अगर यहाँ पर हम बात करें तो डिलेट बटन और सॉरी यस पर हमें कुछ भी नहीं होता है। हालांकि नो पर हम मॉडल को क्लोज करवा रहे हैं। तो जब हमारा यस पर क्लिक होगा देन है यहाँ पर हमें बेसिकली इवेंट भी ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं डिलेट पोस्ट करके एक मेथड कॉल कराएंगे जो कि अभी बनाया नहीं है। तो हम आते हैं अपने टीएस फाइल के अंदर डिलेट पोस्ट कंपोनेंट के अंदर। तो यहाँ पर हम एक मेथड बनाएंगे नीचे डिफाइन कर लेता हूँ डिलेट पोस्ट। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा डिलेट पोस्ट करना है। तो यहाँ पर हमें इसलिए सबसे पहले एपीआई सर्विस को यहाँ पर इंक्लूड करना होगा मीन्स इंपोर्ट करना होगा इंपोर्ट एपीआई सर्विस। तो ये बेसिकली आपका आ चुका है यहाँ पर एंड एपीआई सर्विस का बेसिकली हमें यहाँ पर एक वेरिएबल भी बना लेना है। तो मैं बना लेता हूँ यहाँ पर प्राइवेट एपीआई सर्विस कॉलन एपीआई सर्विस कॉमा भी मैंने ऐड कर दिया है एंड मेरे को यहाँ पर इसको कॉल भी करना है एपीआई सर्विस को डिलेट पोस्ट बेसिकली सर्विस के अंदर जो मेथड प्रोवाइड किया हुआ है। तो दिस डॉट एपीआई सर्विस डॉट डिलेट पोस्ट यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर हमें बेसिकली आईडी भेजनी पड़ेगी। आईडी अभी हमारे पास है नहीं जस्ट फिलहाल में। अभी मैं क्या करता हूँ एक वेरिएबल ऊपर डिफाइन कर लेता हूँ पोस्ट आईडी करके कॉलन स्ट्रिंग और इक्वल एम्प्टी मैंने स्टार्टिंग में दे दिया है। तो ये जो पोस्ट आईडी वेरिएबल है इसमें पोस्ट आईडी हमें स्टोर करानी होगी। तो अभी फिलहाल में जस्ट यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ दिस डॉट पोस्ट आईडी एंड सब्सक्राइब का हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो है हमें डेटा मिलेगा जो भी रिटर्न बैक होकर के जो भी हमें मैसेज मिलेगा प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पर हमें क्या करना है इफ कंडीशन लगा लेनी है इफ डेटा डॉट सक्सेस है डेटा डॉट सक्सेस क्योंकि हमने यही रिटर्न करवाया हुआ है बैकएंड से। देन हम क्या करेंगे दिस डॉट डायलॉग रेफ डॉट क्लोज कर देंगे और यहाँ पर हम बेसिकली अभी डेटा तो हम पास आउट करेंगे बाद में। मैं यहाँ पर जो है अलर्ट करा देता हूँ पोस्ट रिलेटेड। इस तरीके से मैंने जो है मैसेज प्रोवाइड कर दिया। आप अपने तरीके से मैसेज प्रोवाइड कर सकते हो। एल्स में अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर हम जो है डेटा के अंदर जो मैसेज आ रहा है वो हम जस्ट एरर मैसेज शो करा देते हैं। तो अभी क्या है हमें सबसे पहले चाहिए होगा पोस्ट आईडी। अब पोस्ट आईडी हमें कैसे मिलेगी क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमने दिस डॉट डेटा तो हमने शो कराया हुआ है। अभी क्या हो रहा है टाइटल हम जस्ट सेंड करवा रहे थे पोस्ट कंपोनेंट से। अगर मैं आता हूँ अपने पोस्ट कंपोनेंट के पास तो पोस्ट कंपोनेंट डॉट एस टी एम एल। तो यहाँ पर हमने ओपन डिलेट मॉडल किया हुआ था ना यहाँ पर हम क्या कर रहे थे ओनली टाइटल हम सेंड कर रहे थे। तो अब हमें आईडी की जरूरत पड़ेगी तो यहाँ से टाइटल जा रहा है तो हमें आईडी तो मिलेगी नहीं। तो मैं क्या करता हूँ एलिमेंट को ही जस्ट सेंड करवा देता हूँ तो हमारे पास पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट चला जाएगा जो भी पोस्ट का हुआ।
तो इसको मैं कर देता हूँ क्लोज एंड हम आ जाते हैं यहाँ पर। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें से हम निकाल लेते हैं टाइटल दिस डॉट डेटा डॉट टाइटल। तो अब हमें टाइटल मिल जाएगा। सेम मेरे को पोस्ट आईडीज बेसिकली स्टोर करानी है, तो दिस डॉट पोस्ट आईडी इज इक्वल टू दिस डॉट डेटा डॉट अंडरस्कोर आईडी। तो अब ये वो पोस्ट आईडी है जिस पर आप बेसिकली डिलीट कर रहे हो, जिसको आप डिलीट कर रहे हो, तो ये वाली पोस्ट आईडी जो है वो आपके इसमें जाएगी। तो ये जाएगी तो आपके डिलीट हो जाएगा और ये प्रॉपर डिलीट भी हो जाएगा। अब मेरे को क्या करना है, अगर जैसे ही यहाँ से जब डिलीट हो जाती है कोई भी पोस्ट, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बेसिकली हमें बताना भी होगा कि कौन सी आईडी डिलीट हुई है। तो मैं क्या करता हूँ, जब आपका मॉडल क्लोज हो रहा है तो हम क्या करते हैं, दिस डॉट डेटा को ही हम डायरेक्ट पास कर देते हैं। ये डेटा जो वेरिएबल है, ये वाला डेटा वेरिएबल नहीं है, ये वेरिएबल है ये आपका, इसमें बेसिकली आपका पोस्ट रिलेटेड डेटा आ रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, ये जो दिस डॉट डेटा जा रहा है यहाँ से, इसमें पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट होगा जो भी जिस पोस्ट को अभी हमने डिलीट किया है। तो उस आईडी को हम बेसिकली गेट करेंगे अपने पोस्ट कंपोनेंट में और उस उसको बेसिकली हम रिमूव कर देंगे अपने टेबल में से। तो हम आते हैं पोस्ट कंपोनेंट डॉट टी एस में, यहाँ पर जहाँ पर हमने बेसिकली ऑन रिलेट पर वर्किंग की हुई है। तो ये रहा ऑन रिलेट मॉडल। लाइक अगर आप देखना चाहते हो, टेस्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पर मैं कंसोल डॉट लॉग भी करा देता हूँ रिजल्ट जो आएगा आपका। तो यहाँ पर मैंने बेसिकली कंसोल डॉट लॉग करा दिया, हालांकि अभी आपको पता चल जाएगा कि क्या डेटा रिटर्न हो रहा है क्या नहीं। तो मैंने इंस्पेक्ट किया यहाँ से, कंसोल पर आपको नजर आएगा। यहाँ पर मैं थोड़ा इसको जूम भी कर लेता हूँ। तो अब मैं जैसे लाइक मान के चलिए कोई सेकंड पोस्ट को मैं डिलीट करने का ट्राई करता हूँ। अगर यहाँ से मैंने डिलीट करने का ट्राई किया, तो यहाँ से इसने बोला पोस्ट डिलेटेड। तो यहाँ पर देख सकते हो जो भी आपकी सेकंड पोस्ट डिलीट हुई थी वो यहाँ पर आ चुका है डेटा, मींस आपका डायलॉग क्लोज हो गया। देख सकते हो यहाँ पर डायलॉग क्लोज हुआ और आपका जो रिजल्ट में जो बैरियर कंसोल लगाया था वो हमारा प्रिंट हो चुका है। अब हमें आईडी तो मिल चुकी है कि ये वाला आईडी का जो डेटा है वो रिमूव हो चुका है। अभी यहाँ पर देख पा रहे हो टेबल में वो डेटा एग्जिस्ट करता है, अभी बेसिकली टेबल में से वो डेटा रिमूव नहीं हुआ है। तो अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर आपको पता है कि हम यहाँ पर दिस डॉट पोस्ट का यूज करें जिसके अंदर बेसिकली आपकी पोस्ट एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दिस डॉट पोस्ट, जस्ट मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, इज इक्वल टू, एंड यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको फिल्टर करूंगा लाइक दिस डॉट पोस्ट डॉट फिल्टर। जो भी मेरी ये आईडी आई थी रिजल्ट के अंदर, तो उस आईडी को मैं इस पोस्ट के अंदर से रिमूव कर दूंगा, उससे रिलेटेड जो भी डेटा होगा। तो दिस डॉट पोस्ट फिल्टर हम यहाँ पर यूज करेंगे, लाइक मैंने यहाँ पर लिखा आइटम, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, आइटम की जो आईडीज आ रही हैं लाइक आइटम डॉट अंडरस्कोर आईडी नॉट इक्वल इक्वल रिजल्ट डॉट अंडरस्कोर आईडी कर देते हैं। इससे क्या होगा, अगर जो आपके रिजल्ट में जो आईडी आई है वो अगर नॉट इक्वल इक्वल भी मीन्स की क्या करता है, उसमें से वो रिमूव कर देगा ये जो आइटम की आईडी है, और अगर ये जो आपका रिजल्ट डॉट आईडी मैच करेगा तो उसको बेसिकली क्या करेगा, एरे में से जो है रिमूव कर देगा। तो अब यहाँ से जो है इसको करता हूँ मैं सेव। अभी यहाँ पर जो है हम देखते हैं, लाइक मान के चलिए मैंने फर्स्ट पोस्ट को डिलीट किया यहाँ से, पोस्ट डिलीटेड। तो यहाँ से देख सकते हो तुरंत के तुरंत डेटा भी रिमूव हो रहा है प्रॉपर तरीके से। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा कि कैसे रिलेट एपीआई को इंटीग्रेट करना है अपने एंगुलर में और कैसे अपने टेबल के डेटा को रिफ्रेश करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर्स देखना ना भूलिएगा। आई होप आई बेसिकली क्रड ऑपरेशन तो हमने बेसिकली कंप्लीट कर ही दिए हैं, बाकी आगे हम देखेंगे कि कैसे हमें सर्चिंग लगानी है, कैसे हमें बाकी कुछ और लगाना है। तो नेक्स्ट लेक्चर्स देखना ना भूलिए। थैंक यू।